नमस्कार दोस्तों, सुगम गन चैनल में आपका स्वागत है और मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो 26 सितंबर 2021 करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जस्टिन ट्रूडो। कनाडा की लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो तीसरी बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। ये साल 2015 से सत्ता में हैं और 6 साल में 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। अगस्त 2021 में मध्यावधि चुनाव का आह्वान किया गया था, जिसमें इन्हें जीत हासिल हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस खतरनाक रसायन के भंडारण में ढील दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमोनियम नाइट्रेट व कैल्शियम कार्बाइड। उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भारत सरकार के ने बेहतर सुरक्षा हेतु इसके भंडारण व संचालन से संबंधित नियमों को संशोधित कर आसान बनाया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने नीट AIQ में EWS कोटा पर किस उच्च न्यायालय के निर्देश को रद्द कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मद्रास हाई कोर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। किस बैंक ने हाल ही में 2026 तक सतत वित्त पोषण हेतु देश में 30,000 करोड़ रुपए का ऋण देने का वादा किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एक्सिस बैंक। इस प्रतिबद्धता का उद्देश्य देश को 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर औपचारिक रूप से बातचीत प्रारंभ की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। वर्तमान में भारत व UAE के बीच व्यापार 59 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है। अमेरिका के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। हाल ही में हुए समझौते के अनुसार दोनों देशों के बीच व्यापार को अगले 5 वर्षों में 59 बिलियन से 100 बिलियन तक पहुंचाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिविल सेवा परीक्षा 2020 के टॉपर कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शुभम कुमार, ये बिहार के रहने वाले हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने हाल ही में 56C295 MW परिवहन विमान के अधिग्रहण के लिए किस देश की एयर डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्पेन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर पर हाल ही में 5 पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यूरोप। यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस पर हाल ही में बर्फीले तूफान से 5 पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चीन ने किस देश के साथ हाल ही में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पाकिस्तान। इस अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में हाल ही में IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने हाल ही में यह फरमान जारी किया है। दरअसल तालिबान को अब चीयर लीडर्स व स्टेडियम में बिना सर ढकी महिलाओं से आपत्ति है। तालिबान का मानना है कि यह उनकी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध है, इसी कारण उन्होंने देश भर में इस IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है। तो
ये थे आज के हमारे वीडियो के प्रश्न। हमें उम्मीद है ज़रूर पसंद आए होंगे, तो कृपया वीडियो को शेयर एवं लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने सुगम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि हम आगे जो वीडियो अपलोड करेंगे उनकी जानकारी आप तक पहुँच सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।